वेलकम एवरी वन इन एकैर में गुरुकुल आज का टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन पिछले वीडियो में हमने मार्केट सेगमेंटेशन और उसके टाइप्स पता किए थे इस वीडियो में हम बेनिफिट्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन टॉपिक डिस्कस करेंगे किसी भी मार्केट है या किसी भी कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव यही होता है कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट या सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं या ज़्यादा टाइम तक प्रॉफिट कमाएं उसके लिए सेगमेंटेशन ज़रूरी होता है उसके साथ में बहुत सारे पॉइंट्स और ज़रूरी होते हैं तो हम आज जानते हैं कि क्या बेनिफिट्स हैं मार्केट सेगमेंटेशन के ओके फर्स्ट पॉइंट अगर आप देख सकते हैं तो एनहांस्ड एफिशिएंसी इन यूजिंग रिसोर्सेज अब सिंपल पॉइंट का डिस्कशन यही है कि अगर आप सेगमेंटेशन कर देते हैं तो आपके पास ज़्यादा एरिया नहीं होता आपके पास कुछ एरिया होता है जिसके आप ऊपर आपको कॉन्सनट्रेट करना है और हम टारगेट ऑडियंस के ऊपर कॉन्सनट्रेट करते हैं जिससे कि जो कॉस्ट है वो कम लगती है और हमारी जो रीच है वो हमारी स्पेसिफिक हो जाती है बहुत ज़्यादा एक एग्जैक्ट रीच में हम पहुंच सकते हैं अगर हमें किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करना है तो भी मार्केट सेगमेंटेशन एक बहुत अच्छा रिसोर्स यूज कर सकते हैं मार्केट सेगमेंटेशन को तो मार्केट सेगमेंटेशन में सबसे पहला पॉइंट होता है एनहांस्ड एफिशिएंसी इन यूजिंग रिसोर्सेस दूसरा पॉइंट है इम्प्रूव्ड ब्रांड इमेज अब ब्रांड इमेज इसलिए इम्प्रूव करना है कि अगर हम मासेस के लिए जाएंगे या हम बहुत सारे लोगों को एक साथ हम कवर करेंगे तो हमारी जो ब्रांड इमेज है वो थोड़ी सी डिटोरिएट होती है थोड़ी सी नीचे जाती है और इस पॉइंट में हमें यही बताया है कि मार्केट सेगमेंटेशन जब भी हम करेंगे तो हम एक डेमोग्राफिक्स के थ्रू करेंगे किसी भी एज जेंडर उसके अकॉर्डिंगली हम मार्केट सेगमेंटेशन करेंगे जिसमें हमने पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ है इसको पता करने के बाद हमें निश मार्केट पता पड़ता है हम टारगेट एक निश कस्टमर को हम टारगेट कर सकते हैं और हम ज्यादा से ज़्यादा उस पर्टिकुलर इमेज को सुधारने में हम उन लोगों के ऊपर या उन कस्टमर्स के ऊपर काम कर सकते हैं उनके हिसाब से हम काम कर सकते हैं क्लैरिटी इज़ इंक्रीज क्लैरिटी हमारी बढ़ जाएगी हमें फोकस हम फोकस हो जाएंगे हमारी क्लैरिटी बढ़ जाएगी कि हमें किस डायरेक्शन में या किस पर्टिकुलर सेगमेंट पे काम करना है इसमें अगर हम प्रीवियसली अगर हम देखें तो हमने प्रीवियसली हमने डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस वीडियो में ये चीज़ें और हम इस वीडियो में हम एडवांटेजेस डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें हमें बता पता पड़ रहा है कि क्लैरिटी होना क्यों ज़रूरी है किसी भी बिज़नेस और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर क्लैरिटी प्रोडक्ट बेचने में या प्रोडक्ट सेल करने में नहीं होगी उनको पता ही नहीं होगा कि हमें प्रोडक्ट किस बेचना है और किस कौन सा कौन हमारा टारगेट ऑडियंस है तो हम प्रोडक्ट बेचने में बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम आएगी ओके okay. सो so, जैसे आप देखिए इसमें एक लाइन लिखी हुई है एलिमिनेटिंग रिडेंडेंट इन्फॉर्मेशन द मेन गोल ऑफ द मार्केट अब इसमें प्रॉपर हम मार्केट इन्फॉर्मेशन हम सर्कुलेट मार्केट में इंफॉर्मेशन हमारी सर्कुलेट होती है और हम इसको बहुत ज़्यादा एक पर्टिकुलर एक एरिया पे स्पेसिफिकली हम टारगेट करते हैं और उसको हम क्लियरली उस पर्टिकुलर एरिया को हम देखते हैं जिससे कि हमारा जो प्रॉफिट है और जो हमारा फोकस है किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए वो हमारा इंक्रीज हो जाए क्रिएट्स इंसाइट अबाउट कस्टमर्स अंडरस्टैंडिंग योर प्रोस्पेक्टिव क्लाइंटेल इज़ ए कॉन्स्टेंट स्ट्रगल फॉर एनी कंपनी

सपोज अगर हम बात करते हैं किसी भी पर्टिकुलर फ़ूड हैबिट की राइट right? अगर उस कस्टमर को बहुत ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो हम उस पर्टिकुलर कस्टमर को टारगेट कर सकते हैं आजकल सोशल मीडिया है सोशल मीडिया पे अगर हम कस्टमर इंगेजमेंट की बात करते हैं और सोशल मीडिया पे अगर हम जाते हैं सोशल मीडिया इंस्टाग्राम है फेसबुक है अगर हम इस पर जाते हैं और कितना टाइम कोई कस्टमर इस पर्टिकुलर पोस्ट के ऊपर स्पेंड कर रहा है उससे हम ये जज कर सकते हैं कि वो उस पोस्ट को पसंद कर रहा है और उस पोस्ट से लेके हम सीधे के सीधे हम सीधे जाके और हम पता कर सकते हैं कि उसकी एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है या उसका एक स्पेसिफिक लोकेशन पे हम स्पेसिफिक एरिया क्या है सो so, ये बहुत इजी भी है और ये टफ भी है जिससे पता करना तो हमें उस तरह से उस पर्टिकुलर उस पर काम करना पड़ेगा हमें इंसाइट्स डेवलप करनी पड़ेगी कस्टमर्स के लिए इंक्रीज इंक्रीजेस कंज्यूमर एंगेजमेंट एंड ब्रांड लॉयल्टी अगेन अगर हम फोकस करेंगे कस्टमर्स के ऊपर तो हम उनके हिसाब से काम करना स्टार्ट करेंगे जैसे वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन इज़ कस्टमर एंगेजमेंट एज इट प्लेज अ क्रूशल रोल इन इन्फ्लुसिंग कस्टमर्स डिमांड्स एंड इंटरेस्ट हमने पूछा ही कस्टमर से कि कस्टमर को क्या चाहिए और हम उसके हिसाब से ही हम प्रोडक्ट को डेवलप करके दे रहे हैं अगर हम अपने हिसाब से करेंगे तो प्रोडक्ट में कस्टमर कभी भी इंटरेस्ट नहीं लेगा तो प्रोडक्ट को अगर डेवलप करना है तो हम कस्टमर से पूछ के करें तो प्रोडक्ट जो कंज्यूमर है वो ज़्यादा से एंगेज रहेगा और हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा परचेज करेगा

उससे पता पड़ जाएगा आपको जो एड्स वो देखता है या जो जिन वीडियोस या जिन पर्टिकुलर लिंक्स के ऊपर वो क्लिक करता है उससे आपका एरिया ऑफ़ इंटरेस्ट पता पड़ जाएगा और उससे हम उस पर्टिकुलर कस्टमर की इंसाइट और उसके अंदर हम जाके और पता कर सकते हैं कि उसको उसको चाहिए क्या सो ब्रांड लॉयल्टी एक तरह से डेवलप हुई कि अगर हम कस्टमर की इंटरेस्ट पता कर रहे हैं तो उसके हिसाब से हम कॉस्ट उसके हिसाब से हम प्रोडक्ट बना रहे हैं और वही प्रोडक्ट हम डिलीवर कर रहे हैं कस्टमर तो कस्टमर इज़ हैप्पी कस्टमर को मालूम है कि हमें यही चाहिए था और कस, हमें इसने यही दिया है जैसे अभी एक कंपनी uh, डेवलप हो रही है uh, इसमें एनसीआर रीजन में एक कंट्री डिलाइट करके कंपनी है जो एक बहुत सारे प्रोडक्ट्स डेवलप कर रही है मिल्क प्रोडक्ट्स डेवलप कर रही है और वो कर उसमें अगर आप बफेलो मिल्क ख़रीदते हैं तो उनका सबसे बड़ा यूएसपी ये है कि वो ये बोलते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें सबसे ज़्यादा आपको मलाई या क्रीम ऊपर मलाई ऊपर ज़्यादा आपको मिलेगी बाकी दूध से बाकी अगर आप कंपैरिजन करें बाकी ब्रांड से कंपैरिजन करें तो दिस इज़ व्हाट एक अब आप, आप भी किसी इंडियन कस्टमर इंडियन अगर आप हाउस होल्ड में अगर बिलीव करते हैं फुल फैट क्रीम अगर आप दूध खरीदते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये वाला जो दूध है इसमें प्राइम हमारा क्या होना चाहिए कि भाई क्रीमी होना चाहिए और इसका ऊपर की जो मलाई और वो है वो बहुत अच्छा पड़ने जिससे कि अगर हम एट द एंड ऑफ द मंथ अगर हम इसमें अगर हम दूध दूध का अगर हम घी निकालना चाहें या मलाई का यूज़ करके हम और कुछ करना चाहें तो हम कर सकें तो ये एक ब्रांड लॉयल्टी डेवलप करने का एक तरीका है सिंप्लीफाइज मास पर्सनलाइजेशन ये तो सिंपल है कि भाई सेगमेंटेशन जब हम करेंगे तो मास पर्सनलाइजेशन होगा मासिस के अंदर से हम उन लोगों को निकाल सकते हैं जो हमारे प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं और बेसिकली uh, हम उनको uh, एक तरह से जैसे अब आप इसमें लिखा हुआ है क्लियर वन मोर ऑफ़ द फाइनेस्ट एडवांटेजेस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन इज दिस बिजनेस कैन नाउ मोर इजीली प्रोवाइड क्लाइंट्स कस्टमाइज सर्विसेज और प्रोडक्ट बेस्ड ऑन यूनिक नीड्स अब यूनिक नीड्स जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में हमने डिस्कस किया कि यूनिक नीड्स हैं आपकी भई आपको मालूम है कि आपको क्या चाहिए कुछ प्रोडक्ट्स आजकल कुछ मार्केट में ब्यूटि ब्यूटिफिकेशन या ब्यूटी ब्यूटी जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें हम कुछ प्रोडक्ट्स गर्ल्स के लिए बॉयज़ के लिए मेल फीमेल के लिए अवेलेबल हैं जो आप कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने हिसाब से आपके बाल किस तरह से हैं उस हिसाब से आप शैम्पू ऑर्डर कर सकते हो आप उसमें किट ऑर्डर कर सकते हो आपकी अगर आपकी स्किन टाइप किस तरह से आप बता सकते हो उनके एक्सपर्ट से डिस्कस कर सकते हो और वो आपको सजेस्ट करेंगे कि ओके इस दिस स्किन टाइप नीड्स पर्टिकुलर दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट फॉर यू सो सिम्प्लीफाई सिम्प्लीफाइज मास पर्सनलाइजेशन का मतलब है कि आप एक पर्टिकुलर सेगमेंट में जाके हम उसको पर्टिकुलर एक कस्टमर से हम और कस्टमर को भी बहुत अच्छा फील होता है जब आप उससे बात करते हो और आप उसके लिए काम करते हो तो कस्टमर को फील होता है कि ऑर्गेनाइजेशन इज़ वर्किंग फॉर मी सो वी विल बी लॉयल फॉर दैट कंपनी फॉर अ लॉन्ग अ पीरियड ऑफ टाइम हम बहुत ज़्यादा टाइम तक उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए लॉयल रहते हैं या उस कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं एज़ फार एज द कंपनी इज़ वर्किंग ऑनर्स मार्केटर अगर हमारे कस्टमर के ऊपर काम करता है तो कस्टमर बहुत खुश रहता है और कस्टमर चाहता है कि उसी कंपनी से जुड़े रहें इंक्रीजेस कैपेसिटी फॉर निश मार्केटिंग सेम अगर लग्जरियस प्रोडक्ट है निश है अगर हिडन मार्केट अगर हम देखें तो डा डेटा फ्राम मार्केट सेगमेंटेशन इज़ असेंशियल फॉर अनकवरिंग हिडन मार्केट कैरेक्ट्रिस्टिक्स क्रिएटिंग मोर इफेक्टिव मार्केटिंग कैंपेन्स सेगमेंटिंग मार्केट डेटा अब किसी भी एक अगर हम लग्जोरियस ब्रांड्स की बात करें तो एक एक, एक जो तबका होता है या एक एक सेगमेंट होता है जो एक लग्जरियस ब्रांड्स को ही प्रेफर करता है जैसे रोलेक्स है राडो uh, है दीज आर द वॉचेस जो हम मान के चलते हैं कि लैक्सन लैक्स ऑफ रुपीज़ इसकी कॉस्टिंग होती है तो हम इनको अगर हमें टारगेट करना है तो वी विल बी एंडोर्सिंग सेलिब्रिटीज़ लाइक देम लाइक जैसे उनके पास पैसा हो उन्हीं सेलिब्रिटीज़ को हम टारगेट करते हैं जैसे रोजर फेडरर ऑलवेज़ आप देखेंगे कि रोलेक्स ब्रांड के लिए उसने एडवर्टाइजमेंट एडवर्टीजमेंट हमेशा उसने किया है तो सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट भी एक इम्पॉर्टेंट रोल पे प्ले करता है सेगमेंटेशन में और रोजर फेडरर अगर उस सोलेक्स ब्रांड को प्रमोट कर रहा है तो दैट मींस वो रोजर फेडरर जितने लोगों को इंस्पायर करेगा उनके पास उतना पैसा होगा जितना रोजर फेडरर के पास है या उससे ज़्यादा होगा समझ ये, ये ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो समझना चाहिए जो रेफरेंस हम देते हैं किसी भी सेलिब्रिटी का वो उस हिसाब से देते हैं जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हम सेल कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को उसी कम्युनिटी या उसी पर्टिकुलर ग्रुप में हम सेल करें जिसे निश मार्केटिंग भी बोल सकते हैं या हम निश लग्जोरियस प्रोडक्ट या हम उससे प्रीमियर रेंज भी बोल सकते हैं प्रीमियम रेंज सॉरी प्रोवाइड कस्टमर्स विद एक्सेप्शनल एक्सपीरियंस द इन्फ्लुएंस ऑन जैसे अगर हम किसी भी कस्टमर को एक अच्छा एक्सपीरियंस देना चाहते हैं उसकी डिमांड्स के ऊपर हम अगर काम करें या उसकी नीड्स के ऊपर काम करें जैसे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं वो आपके हिसाब से ही डिश को बनाते हैं फाइव स्टार होटल में आप जाइए और आप अगर उनको ये बोलेंगे कि हमें इस तरह से लेस स्पाइसी और इस तरह से अगर हम हमें बना के दीजिए ये डिश या मोर स्पाइसी चाहिए या हमें इसमें ऑयल कम चाहिए तो वो अपने वो आपके हिसाब से उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट उस पर्टिकुलर डिश को बना के देते हैं इससे एक बहुत अच्छा लॉयल्टी डेवलप होती है और अगर हमें अपने हिसाब से चीज़ें मिलेंगी तो हम हमेशा उसी पर्टिकुलर कंपनी और उसी ऑर्गेनाइजेशन के पीछे जाएंगे और उसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट्स हम यूज़ करेंगे सो दिस वाज दिस वाज द टॉपिक बेनिफिट्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन अगर आपको टॉपिक पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं और प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स So that he, they can also take advantage of this channel. Thank you so much. Have a good day.